हेलो गाइस, राम राम खमा गणी। तो भाई, लोकेश कटारिया को आपको वोट नहीं करना है। जी हाँ, पहले भी मैंने मैसेज दे दिया, अभी भी कई सारे लोग कह रहे हैं लोकेश कटारिया को वोट करो, लोकेश कटारिया को वोट करो। लेकिन भाई, एलविश यादव, एलविश आर्मी की तरफ से बड़ा मैसेज है जहाँ पर आपको लोकेश कटारिया को वोट नहीं करना है। जहाँ पर साई केतन को या अरमान मलिक, जिसे भी आप करना चाहे, मेरे हिसाब से भाई साई केतन को वोट करो, क्योंकि अरमान मलिक को वैसे भी दोस्तों बच्चा नचाते हैं, बिग बॉस तो नहीं निकालेंगे। तो साई केतन को जितना हो सके उतना वोट करो, ताकि दोस्तों घर से बाहर निकल जाए। ये बात करें तो वोटिंग से बचाने के लिए नहीं है, निकालने की वोटिंग है। टेक ऑफ है, वोटिंग लाइन ओपन नहीं हुई है, टेक ऑफ ओपन हुआ है, जहां पर निकालना है आपको। जी हां, प्लीज लोकेश कटारिया को वोट मत करें। ऊपर मैसेज लिखा हुआ है कि किसको आप बेघर करना चाहते हैं, तो वहां पर बेघर करने पर दोस्तों आपको साई केतन हो गए या अरमान मलिक हो गए, जिसको भी आप बाहर करना चाहते हैं, तो उन्हें वोट कीजिए। प्लीज लोकेश कटारिया को वोट मत कीजिए। लोकेश कटारिया को इविट करने के लिए ही बिग बॉस ने ये गंदी साज रची है, ताकि दोस्तों एलविश आर्मी दोस्तों उन्हें वोट कर सके। और वैसे ही वोट करेंगे, शुरुआत में उनको पता नहीं लगेगा और मिड नाइट को दोस्तों वो इविक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज सभी से गुंजारिश है कि प्लीज लोकेश कटारिया को वोट मत करें। हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से कह देता हूं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जहां पर ये टेक ओवर ऑप्शन है, बात करें तो अभी लास्ट समय है, 4 दिन बचे हैं। तो लोकेश कटारिया को बचाने के लिए आपको साई केतन को वोट करना होगा, अरमान मलिक को वोट करना होगा, लेकिन लोकेश कटारिया को प्लीज हाथ जोड़कर वोट मत कीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।